नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल म्यूजिकल बिलियनेयर पे। मैं हूं सुमन सरकारे, प्रोफेशनल गिटारिस्ट वाराणसी से। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमा के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या एज लिमिट, क्या ड्यूरेशंस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि म्यूज़िक से जुड़े हुए हर एक चीज़ आपको मिले सबसे पहले। तो सबसे पहले डिप्लोमा के बारे में बात करें तो गाइस, डिप्लोमा होता है क्या? डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट है गाइस। डिप्लोमा जो है कोर्स है और आपको इसके ज़रिए कोई जॉब नहीं मिलने वाला है, और ये एक सर्टिफिकेट है जिसके वजह से आप हायर स्टडी कर सकते हैं उसी सब्जेक्ट में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग सीधा मेन मुद्दे पर। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए डिप्लोमा में, किसी भी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में, एलिजिबिलिटी यही होना चाहिए गाइस कि 10 पास हो आप एक एलिजिबल मार्क्स के साथ, जो कि आगे मैं फाइनल कर दूंगा क्या वो मार्क्स होते हैं। और 10 पास होने के साथ में आपको जो है एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। और जो है डिप्लोमा का जो है गाइस कोई वो नहीं होता है एज लिमिट, एज कोई भी कर सकता है इसको। कई लोग जो है पीएचडी करते हुए डिप्लोमा करते हैं, कई लोग जो है ग्रेजुएशन में डिप्लोमा करते हैं, 12 के साथ डिप्लोमा करते हैं। तो डिप्लोमा का कोई जो है स्पेशल एज लिमिट है नहीं यहाँ पे, तो आप कहीं भी है किसी भी एज लिमिट में जो है आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ये एक सर्टिफिकेट है जो कि कराई जाती है। ड्यूरेशन के बारे में बात करें गाइस, तो इसका कोई ड्यूरेशन निश्चित नहीं किया गया है। अलग अलग कॉलेज, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है इसका अलग अलग अपना ड्यूरेशन का रखा हुआ है। अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका अलग होता है। तो किसी यूनिवर्सिटी में 1 साल का डिप्लोमा होता है, किसी में 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो कोई ठीक नहीं गाइस। तो ये हो गई एज लिमिट डिप्लोमा के एलिजिबिलिटी और जो है ड्यूरेशन के बारे में। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करें तो गाइस, यहाँ पे 2 तरह के एग्जामिनेशन हो सकते हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है पहले आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होगा, फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर दोनों के मार्क्स को जोड़ के एक कटअप लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी हिसाब से आपका एडमिशन होगा। कुछ में जो है सीधा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेके ही उसके मार्क्स के हिसाब से जो है कटअप लिस्ट निकाले जाएंगे और आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे डिप्लोमा के कुछ फ़ायदे के बारे में बात करें, बेनिफिट्स के बारे में फ़ायदा करें कि अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है गाइस, अगर आप डिप्लोमा करते हैं और एक स्टूडेंट है तो आप बीए इन म्यूज़िक, चाहे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं या वोकल में कर रहे हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी कॉलेज में जाके बीए में एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस ब्रेक करने के बाद। अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। आप इसको शो कर सकते हैं कि मैंने इसमें डिप्लोमा किया हुआ है और ये मेरी स्पेसिबिलिटी है, ये मेरी जो है एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है। और छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं गाइस, उसमें आपको ये जॉब दिलाने में जो है हेल्प करेगा अगर आप डिप्लोमा किए रहेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट में या सिंगिंग में। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे पिछले साल जो डिप्लोमा आई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसका जो नोटिफिकेशन आया था गाइस, उसको मैं आगे दे दूंगा और उसको देख के आप लोग एक अंदाज़ा लगा लेना कि कैसे क्या हो रहा है। उसमें जो है गाइस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हाई स्कूल पास और 55 मार्क्स होना चाहिए था जिसके वजह से आप एलिजिबल हो रहे थे, और SC ST जो कि रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए बस पासिंग मार्क्स की ज़रूरत थी। और एक लिस्ट भी मैं आगे दे रहा हूँ गाइस उसी जो है नोटिफिकेशन फॉर्म में, जो कि आपको दिखेगा कि आप किस किस जो है सब्जेक्ट में इंडिया में जो है डिप्लोमा कर सकते हैं, और एक अंदाज़ा आपको अच्छा खासा लगेगा इसी जो है फॉर्म से। तो आगे उसी फॉर्म को मैं देने वाला। अगर आप एक बिगिनर है और आप गिटार या क्लासिकल सिंगिंग बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सीखना चाहते हैं तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें। मैं पिछले कई सालों से यहाँ पे स्टूडेंट्स को गिटार की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और अगर आप एक बिगिनर है और आप क्लासिकल सिंगिंग सीखना चाहते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर।